सीहोर जिले की आजादी के संघर्ष में शहीद हुए 365 अनाम शहीदों की शहादत को हर वर्ष 14 जनवरी को नगरवासियों द्वारा सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यह 14 जनवरी 1858 के सीहोर में 365 क्रांतिकारियों को कर्नल हीरोज ने बर्बरता पूर्वक गोलियों से छलनी कर दिया था, क्योंकि इन देशभक्त शहीदों ने 6 अगस्त 1857 को अंग्रेजी साम्राज्य ध्वस्त करते हुए तत्कालीन सीहोर कंटोनमेंट में सिपाही बहादुर के नाम से अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित कर ली थी। इस सामूहिक हत्याकांड के बाद सीहोर कंटोनमेंट एक बार फिर अंग्रेजों के अधीन हो गया। इसी की याद में हर वर्ष 14 जनवरी को सीहोर के नागरिकों ने भूली हुई विरासत की गवाह बनी इस जीर्ण शीर्ण समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अब जाकर सरकार इस स्थान को शहीद पार्क बनाने की तैयारी में है। अब क्षेत्रीय विधायक का मानना है कि इस स्थल का कायाकल्प किया जाएगा। भारतीय न्यूज के लिए अब्दुल रऊफ खान की रिपोर्ट। बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रयास नगरवासियों का, बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का, सभी के इसके अंदर योगदान रहा है। और अब जाकर ऐसा लगा है कि वो सपने जो हमने देखे थे वो सने सने पूरे हो रहे हैं। प्रशासन की निगाह, कुशासन की निगाह इस ओर आई है। ये स्मारक इसी बात का प्रतीक है। और ये अमर शहीदों की स्मृति में आज जो गणमान्य नागरिकों ने सभी हमारे शहीदों के उपलक्ष्य पर जो अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी है, भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, उसको समाज के सभी वर्गों को साथ जोड़ के एक स्थायी रूप दिया जा सके और कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके यहाँ पे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के मन में हमेशा सम्मान रहे, उनको याद किया सके और स्मृतियाँ जो हैं वो जब तक समय है, समय काल है, तब तक वो स्मृतियाँ सी हो के मनते रहें, हमें गौरवान्वित करते रहें। इस हेतु सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया जाएगा और कुछ अच्छी सुविधाएं यहाँ पे डेवलप होंगी।